अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बंगाली मुस्लिम जायके में स्मॉल फिश के साथ भिंडी की रेसिपी बनाएंगे, जो बहुत ही यूनिक रेसिपी बनने वाला है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम जिस फिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फिश को मोरला फिश बोलते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है एवं ये बहुत ही हेल्दी फिश है। इस फिश में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। ये आँखों को तेज करने वाली फिश है एवं बच्चों के ब्रेन को भी बहुत तेज करता है। इस फिश में कई तरह के लाभकारी तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैंने ये 500 ग्राम के करीब इस फिश का इस्तेमाल करेंगे रेसिपी को तैयार करने के लिए। फर्स्ट हमें इस फिश को अच्छी तरीके से साफ करना और इसे काटना भी बहुत ही सिंपल है। इस फिश को साफ़ करने के लिए हमें एक लकड़ी का फट्टा या फिर एक पत्थर वाली जगह लेनी होगी, जहाँ पे फिश को हमें पेट की तरफ थोड़ा सा प्रेस करना है, जिससे इसके पेट के अंदर की सारी गंदगी निकल जाती है, बस ये फिश साफ़ हो जाती है। हमने इसी प्रोसेस से सारे फिश को साफ़ कर लिया है। इसमें से जितने गंदगी निकल गए, ये फिश अच्छी तरीके से साफ़ हो चुके हैं। अब हमने इसे एक अलग से प्लेट में निकाल कर रख देना है। उसके बाद इसमें 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करके इसे बहुत अच्छी तरीके से धोएंगे। इसमें बहुत गंदगी निकलता है, ये फिश को जितना धोएंगे सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलेगा। इसे 2 से 3 बार या 5-6 बार अच्छी तरीके से धोने से ये फिश बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। अब हमने इस फिश को मैरिनेट करना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच नमक के साथ। इन मसालों को बहुत अच्छी तरीके से फिश में रगड़ रगड़ कर हमें लगाना है, जिससे फिश बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे फिश को मैरिनेट होने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे, हमने फ्राई पैन को गर्म करना है, उसमें तेल ऐड कर देना है, तेल को अच्छी तरीके से गर्म करना है। उसके बाद हमने इस फिश को सारे फिश को ऐड कर देना है, क्योंकि ये छोटी सी फिश होती है, इसको एक ही साथ सारे हमें ऐड कर देना है। इस फिश को हमें कड़ाके की फ्राई करनी है, नीचे की तरफ अच्छी तरीके से फ्राई हो जाने के बाद हमें 1 चम्मच के सहारे उसे पलटा देना है, जिससे ये ऊपर की तरफ भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। इस फिश को हमने लगभग फ्राई कर लिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने भिंडी ली है 500 ग्राम के करीब, जिसे इस तरीके से काट लिया है। ये छोटी साइज़ की भिंडी है, ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं है, दो तरफ काट कर अच्छी तरीके से धो लिया है। भिंडी के साथ अगर फ़िश की रेसिपी बनाए तो ये रेसिपी रियली बहुत यूनिक होती है, लेकिन इस रेसिपी को अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। हमने 1 प्याज का इस्तेमाल किया, जिसे इस तरीके से काट लिया है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हमने सिलबट्टे में इस तरीके से अच्छी तरीके से पीस लिया हल्का। उसके बाद 1 टमाटर को इस तरीके से काट लिया। हमने क्ले पॉट को गर्म करना है और उसमें 2 से 3 चम्मच तेल ऐड कर देना है। तेल जब गर्म हो जाएगा, उसके बाद हमने भिंडी को ऐड कर देना है। भिंडी को हमें बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। हमने इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, जिससे भिंडी का रंग बहुत अच्छा सा रहे। हम उसके बाद भिंडी को हमें 5 से 10 मिनट अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है। जब हम भिंडी को फ्राई करते हैं तो भिंडी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं, वो उसी समय बहुत अच्छी तरीके से गल जाते हैं। भिंडी को गलाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, फ्राई करते करते ही भिंडी बहुत अच्छी तरीके से गल जाते हैं। इस भिंडी को हमने लगभग बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। अब हमने इसे निकाल लेना है एक अलग से प्लेट में। हमने इस क्ले पॉट में और तेल नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें कसा हुआ अदरक लहसुन इसमें ऐड कर देंगे, साथ में हम हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसको तेल के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलाकर फ्राई करेंगे। इसको जब फ्राई करेंगे तो एक अलग सा ही फ्लेवर आएगा तेल में, ये फ्राई होते होते रेड हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। इस रेसिपी में हमें प्याज को बहुत अच्छी तरीके से कड़ाके की फ्राई करने है। इसका रंग एकदम भूरा रंग का हो जाना चाहिए, जो बहुत ही कड़क फ्राई हो। ये फ्राई करते करते लगभग प्याज बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गए, देखिए इसमें रंग भी आ चुका है। अब हमने इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर को भी प्याज के साथ मिलाकर बहुत अच्छी तरीके से मिलाकर हिलाते रहेंगे, 5 से 10 मिनट हिलाएंगे। उसके बाद फिर हमने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। टमाटर बाद में भी गल जाएंगे, इसे ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। साथ में हम नमक भी इसमें ऐड कर देंगे।
मसाले को हमें बहुत अच्छी तरीके से प्याज और टमाटर के साथ मिलाकर 5 से 10 मिनट पकाना है। जब तक मसाले नीचे से ना पकड़ ले तब तक हमें पकाते रहना है। उसके बाद फिर हमने इसमें हाफ ग्लास के करीब पानी ऐड कर देना है। पानी को ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ा सा हिलाएंगे, उसके बाद इसे धीमी आंच में 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे जिससे मसाले बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद ढक्कन खोलकर देखेंगे, देखिए ये मसाले कितने अच्छे से पक चुके हैं, इसमें एक अलग सा ही फ्लेवर आ रहा है। इसको 5 से 10 मिनट और थोड़ा पकाएंगे, देखिए मसालों का फ्लेवर कितना अच्छा आ रहा है। अब हमने फ्राई किए हुए सारे भिंडी ऐड कर देना है। भिंडी को भी हमें बहुत अच्छी तरीके से इन मसालों के साथ मिलाकर 5 से 10 मिनट हम पकाएंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे, फिर पानी को भी हमें इस भिंडी के साथ मिला लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हिलाएंगे। फिर हमने भिंडी को 5 मिनट के लिए ढक के रखना है जिससे मसालों का फ्लेवर भिंडी में अच्छी तरीके से आ जाए। उसके बाद ढक्कन खोलकर देखेंगे, देखिए इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है और इसे पकाने की ज़रूरत नहीं, भिंडी अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने इसमें फ्राई किए हुए सारे मोरोला फ़िश ऐड कर देना है और फ़िश को बहुत अच्छी तरीके से भिंडी के साथ मिलाकर हिलाते रहना है। इस फ़िश को पकाने में और भिंडी को पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये फ़िश भी बहुत अच्छी तरीके से पहले से ही फ्राई हो चुके हैं। 5 से 10 मिनट हमें इसे सिर्फ पकाना है। इसे धीमी आंच में ढक कर रखेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ढक्कन खोल कर देखेंगे, देखिए भिंडी के साथ बहुत अच्छी तरीके से फ़िश की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने इसके पानी को थोड़ा सा और ड्राई करना है, उसके लिए हमें धीमी आंच में 5 मिनट और गैस में बिठा के रखेंगे। उसके बाद फिर ढक्कन खोल कर देखेंगे, ये रेसिपी रियली बहुत डिलीशियस बन चुकी है और पानी बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। इस रेसिपी को आप दोपहर के वक्त चावल के साथ खाइए, आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। ये रेसिपी रियली बहुत डिलीशियस है। जिसे मछली खाना पसंद है वो इस तरीके की अनोखी रेसिपी ज़रूर बनाकर खाइए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा सिंपल रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फीडबैक देना मत भूलना।